श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वो अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है, उसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष, महेश, गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर मनुष्य की तो बात ही क्या है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोकों के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुने। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के 700 श्लोकों के सार के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ। संपूर्ण प्राणियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं सूर्य हूँ, मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं महेश हूँ, जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ। इस संपूर्ण संसार में तुम जो कुछ भी देख पाते हो, सब मैं ही हूँ। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अगर कोई आपको ठुकरा दे तो बुरा मत मानना, क्योंकि वे वास्तव में आपकी कीमत नहीं जानते। जो रिश्ता हमें रुला दे, उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोता हुआ छोड़ दे, उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। हमेशा शांत रहें, इससे आपके जीवन में खुद को बहुत मजबूत पाएंगे, क्योंकि लोहा ठंडा होने पर ही मजबूत होता है, पर गर्म होने पर तो उसे किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। किसी विपत्ति के समय आपको ये 7 गुण बचाएंगे: आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ईश्वर में विश्वास। आत्मा हमेशा जानती है कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन मनुष्य के सामने चुनौती तो मन को समझने की होती है। मुश्किल समय में व्यक्ति अकेला हो जाता है, लेकिन मुश्किलों की वजह से वही व्यक्ति मजबूत हो जाता है। जो आपको सम्मान दे, उसी को सम्मान दीजिए। हैसियत देखकर सर झुकाना कायरता का लक्षण है। हे अर्जुन, जो न कभी हर्षित होता है, न किसी से द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है, जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह ज्ञानी मनुष्य मुझको अति प्रिय है। मुझे पाने के 3 तरीके हैं: ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, और इन सब में कर्मयोग सबसे प्रधान है। किसी पर विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाने से और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाने से जिंदगी और भी आसान हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य मुझे जान लेता है, वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य भगवत गीता को पढ़कर उस पर अमल करता है, उसके सारे दुष्कर्मों का प्रभाव समाप्त हो जाता है। जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उनकी विशेषताओं से सीखता है, उनसे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। शस्त्र केवल शरीर को घायल कर देते हैं, किंतु शब्द आत्मा को भी घायल कर देते हैं। जो मनुष्य अपने को परमात्मा से अलग नहीं समझता है और ना ही इस शरीर से अपना कोई संबंध मानता है, वह सदा के लिए जन्म मरण से मुक्ति पा लेता है।
जो व्यक्ति आध्यात्मिक जागरूकता के शिखर तक पहुंच चुके हैं, उनका मार्ग है निस्वार्थ कर्म, और जो भगवान के साथ संयोजित हो चुके हैं, उनका मार्ग है स्थिरता और शांति। मानव कल्याण ही भगवत गीता का प्रमुख उद्देश्य है, इसलिए मनुष्य को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय मानव कल्याण को प्राथमिकता देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। हे अर्जुन, वह जो वास्तविकता में मेरे उत्कृष्ट जन्म और गतिविधियों को समझता है, वह शरीर त्यागने के बाद पुनः जन्म नहीं लेता और मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। वह व्यक्ति जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावनाओं से मुक्त हो जाता है, उसे अपार शांति की प्राप्ति होती है। जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वो मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता। ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है वही हमारे लिए पर्याप्त है, और यही एक अटल सत्य भी है। संयम, सदाचार, स्नेह एवं सेवा, ये गुण सत्संग के बिना नहीं आते। ईश्वर से किए गए प्रार्थना से इंसान की परिस्थिति या तकदीर बदले या ना बदले, पर उस प्रार्थना से इंसान के चरित्र में जरूर बदलाव आता है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है, वैसा ही दूसरा कोई महापुरुष ही इसके तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है, तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भांति सुनता है, और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। श्री भगवान कहते हैं, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है, और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। जिसने कभी संकट नहीं देखा उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है। किसी को कुछ देकर घमंड मत कर, क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्ज चुका रहा है। घमंडी मनुष्य का वंश, वैभव और प्रतिष्ठा तीनों ही चले जाते हैं। विश्वास ना हो तो रावण, कौरव और कंस को देख लो। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नहीं। जिस मनुष्य के पास सब की ताकत है, उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारी व्यर्थ की चिंता और मन का भय एक ऐसा रोग होता है जिससे हमारी आत्मीय शक्ति बिखर जाती है। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए, और न ही भाग्य और ईश्वर की इच्छा जैसे बहानों का प्रयोग करना चाहिए। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं, वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात जो लोग ईश्वर को याद किए बिना अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। केवल ज्ञान ही एक ऐसा अक्षय तत्व है जो कहीं भी किसी भी अवस्था में और किसी भी काल में मनुष्य का साथ नहीं छोड़ता। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। युद्ध हो या जीवन, सफलता केवल तीन शस्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, धैर्य और साहस। कोई भी मनुष्य जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। कुछ पाना है
तो खुद पर भरोसा कीजिए, क्योंकि सहारे कितने भी सच्चे और अच्छे हो, साथ छोड़ ही जाते हैं। मित्र गरीब है या अमीर, यह मायने नहीं रखता, बल्कि वो आपके बुरे समय में आपका साथ कितना देता है, यह मायने रखता है। धर्म चाहे जो भी हो, अच्छे इंसान बनो, हिसाब हमारे कर्म का होगा, धर्म का नहीं। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीजें आपके जीवन में वापस आती है, यही प्रकृति का नियम है। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या है, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। हंसता हुआ मन और हंसता हुआ चेहरा, यही सच्ची संपत्ति है। जितना इंतजार वो आपसे करवा रहा है, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। कोई आपका साथ ना दे तो निराश मत होना, क्योंकि परमात्मा से बड़ा हमसफर कोई नहीं होता। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता, तो उसे याद कर आज का दिन व्यर्थ ना करे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कर्म करते हुए ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए और फल की अभिलाषा से दूर रहना चाहिए। हे अर्जुन, मेरा इन तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न ही कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य है, फिर भी मैं कर्म करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, हे पार्थ, यदि मैं कर्मों को करने में सावधानी ना बरतूं, तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस दुनिया में हारे हुए इंसान की, तकलीफ में पड़े हुए इंसान की कोई मदद नहीं करता, और अगर कोई इंसान थोड़ा सा सफल हो जाए तो उससे कोई खुश नहीं होता। इसलिए अपना दुख किसी को बताओ मत और अपनी खुशी किसी के आगे जताओ मत। मनुष्य का आहार हमेशा सात्विक और संतुलित होना चाहिए। जिस इंसान को ये समझ नहीं कि क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कहाँ खाना चाहिए और कैसे खाना चाहिए, वो परमात्मा को कभी नहीं पा सकता। जो मंदबुद्धि मनुष्य सिर्फ दिखावे के लिए कहता है कि उसने समस्त इंद्रियों को वश में कर लिया है, परंतु वह मन ही मन उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता रहता है, वो मनुष्य मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, सृष्टि चक्र के नियमों का पालन नहीं करता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भोगों को भोगने वाला पापी पुरुष व्यर्थ ही जीता है। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। आत्मा का मतलब यहाँ सबसे बड़ा सच है, और जो सत्य को समझता है, सत्य में ही खुश होकर सत्य में ही रहता है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा कोई लाखों करोड़ों में एक होता है। उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मों के न करने से ही कोई प्रयोजन रहता है, तथा संपूर्ण प्राणियों में भी इसका स्वार्थ से कोई संबंध नहीं रहता। कहने का सीधा मतलब है, जिसे परमात्मा मिल चुका है वह कोई और दूसरा कर्म क्यों करे। जो ज्ञानी है, जिन्हें ईश्वर की सच्चाई मालूम हो चुकी है, उनकी ये जिम्मेदारी बन चुकी है कि उनके काम करने के तरीके से कहीं किसी और के मन में काम करने के प्रति अश्रद्धा या अपमान ना पैदा हो जाए। इसलिए उन ज्ञानी जनों के लिए ये जरूरी है कि वो ऐसा उदाहरण सामने रखें, जिससे हर कोई अपना कर्म, अपना कर्तव्य करने के लिए प्रेरित हो। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य या नींद इसी प्रकार के कर्म करते हैं। राजसिक गुण वाले बात बात पर शौर्य या बहादुरी दिखाने का काम करते हैं, लेकिन ज्ञानी मनुष्य जानते हैं उसके गुण ही उससे कर्म करवा रहे हैं, और जो ज्ञानी नहीं होते वो समझते हैं कि सब कुछ वही कर रहे हैं।
उठाकर फेंक दो उन रिश्तों को गहरे समुन्दर में, जिनमें वक्त पड़ने पर स्वार्थ और मतलब की बदबू आती हो। अगर सही मायने में आप अपना जीवन बदलना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको अपना मन बदलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, क्योंकि जैसा आपका मन रहेगा वैसे ही आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपका जीवन होगा। जो जा रहा है उसे जाने दो, वो आज रुक भी गया तो कल चला ही जाएगा। आप जितने सरल, सीधे और नर्म दिल के रहोगे, उतना ही चतुर और बेईमान लोगों द्वारा खदेड़ दिए जाओगे। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, पर वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और भरोसा दोबारा नहीं मिलता। भरोसा उसी पर करना जो निभाने के लायक हो। कुछ पल का साथ तो अर्थी उठाने वाले भी दे देते हैं। सच्चे लोगों पर भी उतना विश्वास रखिए जितना दवाइयों पर रखते हैं। बेशक थोड़े कड़वे होंगे, पर आपके लिए फायदेमंद होंगे। उन लोगों से तो दुरिया ही ठीक है जिन्होंने आपकी नजदीकियों की कभी कदर नहीं की। बड़ा वही होता है जो छोटों के दर्द को समझ सके। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहेंगे। हर रिश्ते की अलग अलग सीमाएं होती है, लेकिन बात जब आत्मसम्मान की हो तो वहां पर हर रिश्ता समाप्त कर देना ही उचित होता है। सुबह की नींद इंसान की इरादों को कमजोर बनाती है। मंजिल को हासिल करने वाले लोग कभी देर तक नहीं सोते। मदद एक ऐसी घटना है, करो तो लोग भूल जाते हैं और ना करो तो लोग याद रखते हैं। इंसान दो लोगों से हमेशा हार जाता है, एक अपने परिवार से और दूसरा अपनी पसंद के इंसान से। मूर्ख इंसान अपना तो नुकसान करता ही है, लेकिन जो उसकी मदद करता है उसका भी नुकसान करता है। जीवन में इतने व्यस्त हो जाओ कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वो हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जीवन में सुख शांति चाहते हैं तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी ना होने दें। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति की देन है, लेकिन खुद के बनाए रिश्ते आपकी पूंजी है, इन्हें संभाल कर रखिए। किसी व्यक्ति के गुण दोषों का निर्धारण करने से पूर्व अपनी दृष्टि को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना आवश्यक होता है। किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि अक्सर लोग दूसरों की कमजोरी का फायदा उठा लेते हैं। जिंदगी में दो लोगों को कभी मत भूलना, एक वो जिसने तकलीफ दी हो और दूसरा वो जिसने तकलीफ में साथ दिया हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहां तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहां मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तू किसी के आगे इतना भी मत झुक कि वो तुम्हें गिरा हुआ समझने लग जाए। लोग तुम्हारी कदर तभी करेंगे जब तुम उन्हें उन्हीं की तरह नजरअंदाज करना सीख जाओगे। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, बल्कि इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। कामयाबी और नाकामयाबी दोनों जिंदगी के हिस्से हैं, दोनों ही स्थायी नहीं है। जिंदगी की आधी शिकायतें यूं ही दूर हो जाएगी अगर लोग एक दूसरे के बारे में बोलने की जगह एक दूसरे से बोलना सीख जाएंगे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे, और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। चार वेदों का अर्थ नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, लेकिन समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन चार शब्दों का मर्म जान लो तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा। समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है, अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है। जिस काल में तेरी बुद्धि मोह रूप दलदल को भली भांति पार कर जाएगी, उस समय तू सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्त हो जाएगा। हे अर्जुन, जिस काल में मनुष्य मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है,
और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा स्पृहा रहित है तथा जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है। जिस प्रकार कछुआ सब ओर से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है, वैसे ही जब पुरुष इंद्रियों के विषयों से इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर है, ऐसा समझना चाहिए। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। कान्हा कहते हैं, जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। इंसान इसलिए दुखी नहीं है कि वह ईश्वर को नहीं मानता, इंसान इसलिए दुखी है क्योंकि वह ईश्वर की नहीं मानता। समय आने पर सबको मिलता है, समय से पहले की चाह ही दुख का कारण बनती है। किसी से सच्चा प्रेम होना शुद्धता और दिव्यता का प्रतीक है। जो कुछ भी हुआ है उसमें तेरा कोई योगदान नहीं है, इसलिए तुम्हारी सारी परेशानियां व्यर्थ है। हर चीज की शुरुआत मुझसे होती है और खत्म भी मुझ पर आकर ही होती है। इंद्रियों से मिलने वाला सुख सच्चा नहीं होता है। इंद्रियों का सुख पहले तुमको अमृत की मिठास देगा, लेकिन बाद में तुम्हारा विनाश कर देगा। कान्हा कहते हैं, हे मानव, तुम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी शरण में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें मेरी बातें अटपटी लगती है तो तुम्हें अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अभी तुम चीजों को उस तरह से नहीं देखते हो जिस तरह मैं देखता हूँ। अगर एक बार तुमने मुझ पर विश्वास कर लिया तो तुम्हें जीवन में कभी निराश होना नहीं पड़ेगा। एक बार जो मुझ पर विश्वास कर लेता है उसका साथ मैं कभी नहीं छोड़ता हूँ। जो व्यक्ति मेरे भक्तों के साथ धोखा करता है उसके लिए मैं सबसे बड़ा शत्रु हूँ। अगर किसी ने मेरे भक्त को एक बार भी धोखा दिया तो जन्मों जन्मों तक मैं उसका उद्धार नहीं करता हूँ। मैं हर दिल को एक मंदिर की तरह देखता हूँ। जो दिल जितना सुंदर होता है वहाँ मैं उतना ही अधिक ठहरता हूँ। श्री भगवान कहते हैं, इस दुनिया में तुम प्रेम सभी से करो, लेकिन पूर्ण रूप से विश्वास किसी पर मत करो। अगर तुमको भरोसा करना है तो केवल परमात्मा पर करो। जब तुम शुरुआत करोगे तो स्वाभाविक रूप से तुमको असफलता मिल सकती है, कई बार तुमको गिरना भी पड़ सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए कि तुम उस काम को करना छोड़ दो। एक समय आएगा जब तुम परिपूर्ण हो जाओगे और तुम्हारे सभी काम सफल हो जाएंगे। इस काम में मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं तुम्हारे हर छोटे बड़े कर्म में साथ दूंगा। तुम्हारा जो दिल करे उसको करो, लेकिन नम्रता और सरलता के साथ, अहंकार के साथ नहीं। इस धरती पर आने के बाद आपका मुख्य उद्देश्य यहाँ से मुक्त होना है। केवल वही मनुष्य मुक्त हो सकता है जो अपने कर्मों में दृढ़ संकल्प के साथ स्थिर है और सुख दुख को समान रूप से सहन करता है। जो मनुष्य अपनी आत्मा की बात सुन सकता है वह मुझसे बात कर सकता है और देख भी सकता है। जो आदमी मुझे हर चीज में देखता है और मेरे होने के एहसास को अनुभव करता है वह मेरा सच्चा भक्त है। ऐसे भक्तों से मुझे प्रेम है। ऐसा कोई नहीं है जिसका सदियों से अस्तित्व है और ना ही ऐसा कोई है जिसका सदियों बाद अस्तित्व रहेगा। यहाँ कुछ स्थायी नहीं है। मैं सभी के घरों में निवास करता हूँ। मेरी ऊर्जा सभी जगह समान रूप से वितरित है। जो मुझे पहचान लेता है उसको मैं भक्ति रस प्रदान करता रहता हूँ। दुनिया का सबसे बड़ा पापी अगर समर्पण के साथ मेरी सच्ची उपासना करे तो मैं उसको भी शुद्ध कर देता हूँ। जो तुमने सुना है उस पर विश्वास मत करो। कुछ लोग अपने विवेक से मुझे अपना बनाते हैं, कुछ लोग ज्ञान से, कुछ लोग कर्म से, कुछ योग से। तुम मुझे किस रूप में प्राप्त करना चाहते हो ये पूरी तरह तुम्हारे ऊपर है।
तुम मुझे जिस रूप में बुलाओगे मैं उस रूप में हाजिर हो जाऊंगा। तुम मेरे प्रति सदा चौकस रहो, मेरी उपासना करो, अपने हर एक काम के लिए मेरा स्मरण करो। मैं वादा करता हूँ तुम मेरे प्रिय बने रहोगे। वे मूर्ख हैं जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। कृष्ण कहते हैं, धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वो पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराए लोगों में नहीं थी, यह एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वो दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वो आपके साथ और गलत करता है और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखे। जीवन में कभी वो मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा चलो, वो आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है, और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख, शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वो भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहें। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो, यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। वह ना तो इस लोक में धन, ऐश्वर्य या यश की प्राप्ति कर सकता है और ना ही परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जब तक मनुष्य किसी भी विषय में संशय युक्त रहता है तब तक वह उस विषय में सफलता नहीं पा सकता। इसलिए संदेह करने से बचे। हे अर्जुन, तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नष्ट हो गया? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है और समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मयोग ही वह योग है जिसके माध्यम से हम अपनी जीवात्मा से जुड़ पाते हैं।
कर्मयोग हमारे आत्मज्ञान को जागृत करता है। इसके बाद हम न केवल अपने वर्तमान जीवन के उद्देश्यों को बल्कि जीवन के बाद की अपनी गति का पूर्वाभास प्राप्त कर सकते हैं। इस योग में कर्म के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति की जाती है। श्रीमद् भगवद् गीता में कर्मयोग को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। गृहस्थ और कर्मठ व्यक्ति के लिए ये योग अधिक उपयुक्त है। कर्म योग सिखाता है कि कर्म के लिए कर्म करो, आसक्ति रहित होकर कर्म करो। कर्मयोगी इसीलिए कर्म करता है कि कर्म करना उसे अच्छा लगता है और इसके परे उसका कोई हेतु नहीं है। कर्मयोगी कर्म का त्याग नहीं करता, वह केवल कर्मफल का त्याग करता है और कर्मजनित दुखों से मुक्त हो जाता है। उसकी स्थिति इस संसार में एक दाता के समान है और वह कुछ पाने की कभी चिंता नहीं करता। वह जानता है कि वह दे रहा है और बदले में कुछ मांगता नहीं और इसीलिए वह दुख के चंगुल में नहीं पड़ता। कर्म फल का त्याग कर धर्मनिरपेक्ष कार्य का संपादन भी पूजा के समान हो जाता है। संसार का कोई कार्य ब्रह्म से अलग नहीं है, इसलिए कार्य की प्रकृति कोई भी हो, निष्काम कर्म सदा ईश्वर को ही समर्पित हो जाता है। पुनर्जन्म का कारण वासनाओं या अतृप्त कामनाओं का संचय है। कर्मयोगी कर्मफल के चक्कर में ही नहीं पड़ता, अतः वासनाओं का संचय भी नहीं होता। इस प्रकार कर्मयोगी पुनर्जन्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन वायु की तरह चंचल है। यह मन ही है जो मनुष्य को काम वासनाओं की तरफ भटकाता रहता है। अगर जीवन को सफल बनाना है तो मन पर काबू करना बहुत जरूरी है। मन को वश में करने से दिमाग की शक्ति केंद्रित होती है, जिससे कार्यों में सफलता मिलने लगती है। गीता के अनुसार जिस व्यक्ति ने अपने मन पर काबू पा लिया, वह मन में पैदा होने वाली बेकार की चिंताओं और इच्छाओं से भी दूर रहता है। साथ ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को भी आसानी से प्राप्त कर लेता है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। भगवान कहते हैं, जो मनुष्य सुख और दुख में शांत रहता है, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, जो मनुष्य शुभ और अशुभ वस्तु को पाकर न प्रसन्न होता है और न द्वेष करता है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, वो स्थिर बुद्धि मनुष्य मुनि के समान है। ऐसा मनुष्य स्थिर चित और इंद्रियों को वश में करके ज्ञान द्वारा परमात्मा को प्राप्त करके हमेशा संतुष्ट रहता है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है और उसकी स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है। स्मृति में विभ्रम होने से उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है और फिर व्यक्ति का पतन हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। श्री भगवान कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र की स्थिति अचल है, भारी से भारी आंधी तूफान आने पर या अनेक नदियों के जल प्रवाह उसमें प्रविष्ट होने पर भी वो अपनी स्थिति से विचलित नहीं होता, मर्यादा का त्याग नहीं करता, उसी प्रकार परमात्मा के स्वरूप में स्थित योगी की स्थिति भी सर्वथा अचल होती है। बड़े से बड़े सांसारिक सुख दुखों का संयोग वियोग होने पर भी उसकी स्थिति में जरा भी अंतर नहीं पड़ता। वह योगी परमात्मा में नित्य निरंतर अटल और एकरस स्थित रहता है। जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्पृहा रहित होकर विचरण करता है, वही मनुष्य शांति को प्राप्त कर पाता है। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूँ, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूँ। इस संपूर्ण संसार में कोई भी व्यक्ति महान नहीं जन्मा होता है, बल्कि उसके कर्म उसे महान बनाते हैं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो।
श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के पद चिन्हों पर अपने रास्ते चुनता है। इसलिए सज्जन व्यक्तियों को सदैव अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जो मनुष्य ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते, वो अज्ञानी मनुष्य जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते। ऐसे मनुष्य की बुद्धि विपरीत हो जाती है। वे लौकिक और पारलौकिक सब प्रकार के सुख साधनों को विपरीत ही समझने लगते हैं। इसी कारण वे विपरीत आचरणों में प्रवृत्त हो जाते हैं। इसके फलस्वरूप उनका इस लोक में और परलोक में पतन हो जाता है। वे अपनी वर्तमान स्थिति से भी भ्रष्ट हो जाते हैं और मरने के बाद उनको अपने कर्मों का फल भोगने के लिए सूकर, कूकर आदि नीच योनियों में जन्म लेना पड़ता है या घोर नरक में पड़कर भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है और उसके कारण अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है, तो वह मृत्यु भी उसके लिए परम कल्याणकारक बन जाता है और उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं। उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता रहता हूँ। जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सम्मुख प्रकट होता रहता हूँ। मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। जो मेरा चिंतन करता है, उसका मैं चिंतन करता हूँ। जो मेरे लिए व्याकुल होता है, उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनके उपासना का फल तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरे भक्त यदि सकाम भाव से भी मेरा भजन करते हैं, तो भी मैं उनकी उसी कामना को पूर्ण करता हूँ, जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। इसीलिए सांसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने की इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। जो बीत गया उसका तुम पछतावा ना करो और भविष्य की चिंता भी ना करो, अभी तो वर्तमान चल रहा है। जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी चीज की आकांक्षा करता है, वैसा कर्मयोगी पुरुष सन्यासी के समान है और वह पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। ना तो मैं किसी के भाग्य का निर्माण करता हूँ और ना ही किसी के कर्मफल का निर्माण करता हूँ। मनुष्य अपने द्वारा किए कर्मों का ही फल भोगता है और उसी से उसके भाग्य का निर्माण होता है। मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना सबसे बड़ा शत्रु भी है। ज्ञानी मनुष्य कर्मयोग या भक्ति योग से एक ही जन्म में इस समुद्र रूपी संसार से निकलकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और अज्ञानी मनुष्य काम, क्रोध, लोभ, मोह में फंसकर 84 लाख योनियों में भटकता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। इस लोक में या परलोक में वह जहाँ भी रहता है, वो परमात्मा के मार्ग में आगे ही बढ़ता रहता है। हे अर्जुन, जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, जो जानबूझकर पाप कर्मों में ही लिप्त हैं, जो मुझे जानने की चेष्टा भी नहीं करते,
ऐसे मनुष्य को जीवन में और जीवन के बाद के जीवन में भी कष्टों से मुक्ति नहीं मिल पाता है। जो मनुष्य अंत काल में भी मुझको स्मरण करता हुआ शरीर त्यागता है वह मेरे परम धाम को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पात्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पात्र पुष्प मैं सद्गुण से प्रकट होकर प्रेम पूर्वक खाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मुझे अर्पण कर मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूँगा। मेरे लिए ना तो कोई प्रिय है और ना ही अप्रिय, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वो मुझ में है और मैं उनमें हूँ। यदि कोई दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त बनकर मुझको भजता है तो वह पुरुष भी साधु के समान है, क्योंकि उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। स्त्री वैश्य शूद्र भूत पिशाच चांडाल कोई भी हो, वो मेरी शरण में आकर परम गति को प्राप्त होते हैं। हमारे तामसिक गुण हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु और लोभी बना देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर मनुष्य को तामसिक और राजसिक गुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज से जोड़े रखता है और उन्हें प्यार करना सिखाता है। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये केवल दो लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गया है वह डर चिंता और दुखों से आजाद रहता है। मनुष्य को सबसे पहले खुद का आकलन करना चाहिए, अर्थात खुद के बारे में जान लेना चाहिए। खुद की काबिलियत और क्षमता को जानना ही मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। जब तक मनुष्य खुद के बारे में जान नहीं लेगा तब तक उस मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवद् गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक मनुष्य को अपने आप पर पूरा पूरा भरोसा करना चाहिए, क्योंकि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं वह अवश्य ही सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसा भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति जैसा विश्वास करता है आखिरकार वैसा ही बन जाता है। सुख और दुख सर्दी और गर्मी के समान है, आज अगर दुख है तो कल सुख भी अवश्य होगा, इसलिए इन दोनों ही परिस्थितियों में मनुष्य को संयम से काम लेना चाहिए। जो मनुष्य अपने सभी काम में मन लगाकर अपना कार्य करते हैं और वह छोटे से छोटे कार्यों में भी खुशी ढूंढ ही लेते हैं, वह लोग निश्चित ही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने काम को बस एक बोझ समझकर बस पूरा कर देना चाहते हैं और अपने किसी भी काम को सही ढंग से नहीं करते हैं, तो ऐसे मनुष्य हमेशा ही अपने जीवन में पीछे रह जाते हैं। जो लोग स्वार्थी प्रवृत्ति के हैं, जो सिर्फ अपना मतलब साधने में लगे रहते हैं, जिन्हें दूसरों की भलाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों का कभी भला नहीं होता। श्री कृष्ण ने गीता सार में उन लोगों के लिए इस उपदेश के माध्यम से बहुत बड़ी सीख दी है। भगवान कहते हैं, स्वार्थ शीशे में फैली धूल की तरह है जिसकी वजह से व्यक्ति अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाता। इंसान का स्वार्थ उसे अन्य लोगों से दूर ले जाकर नकारात्मक हालातों की तरफ धकेलता है, जिसके चलते व्यक्ति अकेला रह जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी अपना जीवन खुशी पूर्वक व्यतीत करें, तो इसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने स्वार्थ को
कभी अपने पास नहीं आने दे, क्योंकि स्वार्थी मनुष्य दोस्ती भी सिर्फ अपना स्वार्थ निकालने के लिए करते हैं। ईश्वर हमेशा मनुष्यों का साथ देता है। जो व्यक्ति इस प्रभावशाली सत्य को मान लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह बदल जाता है। सृष्टि निर्माता ईश्वर ही है जो संपूर्ण जगत को चला रहा है, वहीं इंसान तो बस ईश्वर की हाथ की एक कठपुतली है। इसलिए इंसान को कभी अपने भविष्य या फिर अतीत की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर विकट परिस्थिति में ईश्वर इंसान का साथ देता है और उसे मुश्किल से बाहर निकालता है। इसलिए हम सभी को ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने यह उपदेश दिया है कि अपने काम को पहले प्राथमिकता दे और पहले अपने काम को पूरा करने की कोशिश करें, तभी दूसरे का काम करें। क्योंकि जो लोग पहले अपने काम को नहीं करते और दूसरे का काम करते रहते हैं, वे लोग अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन रहकर जो कुछ वो कह सकता है वो शब्दों से नहीं कह सकता। जो चीजें हमारे दायरे से बाहर हो उसमें समय गंवाना मूर्खता ही होगी। किसी भी व्यक्ति को ना तो समय से पहले और ना ही भाग्य से अधिक कुछ मिलता है, लेकिन उसे पाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो मनुष्य मेरे पर मन लगाते हैं, मेरी भक्ति करते हैं, मैं उनको वो सब कुछ प्रदान करता हूँ जो उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है मैं उनकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने बुरे वक्त में परमात्मा पर भरोसा रखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कितना भी बुरा वक्त आ जाए कभी विचलित नहीं होना चाहिए, बल्कि डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि इस संसार का नियम है, जो आया है उसे दुख का सामना करना पड़ेगा। रोने से और चिंता करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि इससे दुख और बढ़ेगा। जीवन में आगे बढ़ने के लिए और अपनी अलग पहचान बनाने के लिए यदि आपको क्रांतिकारी भी बनना पड़े तो इससे पीछे न हटें। कहने का सीधा मतलब ये है कि जरूरत के हिसाब से खुद में बदलाव करें और समाज के बारे में न सोचते हुए अपने काम पूरे करें। जीवन में दोस्तों की भूमिका बहुत अहम होती है। सच्चे दोस्तों की पहचान हमेशा मुश्किल वक्त में ही होती है। जिस तरह भगवान कृष्ण ने पांडवों के मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया था, वैसे ही आपको भी अपने दोस्तों का साथ देना चाहिए। इसके साथ ही आपको ऐसे ही दोस्त बनाने चाहिए जो आपके मुश्किल वक्त में आपके साथ खड़े रहें। जीवन में हार जीत लगी रहती है, लेकिन सफलता सिर्फ उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपनी गलतियों और हार से सीख लेकर आगे बढ़े। हार कर निराश होना किसी भी समस्या का हल नहीं है। किसी भी परिस्थितियों से लड़ने के लिए उसके लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। बिना रणनीति के आप हर मोर्चे पर कामयाब नहीं हो पाएंगे। यदि पांडव भी श्री कृष्ण द्वारा बनाई गई रणनीति का पालन नहीं करते तो शायद कौरवों के खिलाफ हुए युद्ध में उन्हें जीत नहीं मिलती। यदि कोई साधक किसी कारणवश अपनी साधना में सफल नहीं हो पाता तो भगवान उसकी अधूरी साधना पूरी करने के लिए फिर से शुद्ध श्रीमंतों के घर में जन्म देते हैं। हे धनंजय, मेरे सिवाय इस जगत का कोई दूसरा कारण नहीं हो सकता, मैं ही इस संपूर्ण संसार का महाकारण हूँ। जैसे मोती सूत के धागे की माला में पिरोए हुए होते हैं, वैसे ही यह संपूर्ण जगत मुझ में ही ओतप्रोत है। ये संसार मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही स्थित रहता है और मुझ में ही लीन हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भगवान के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत, रज और तम इन तीनों गुणों से युक्त मेरी माया को पार कर पाना असंभव है। मनुष्य मेरी इस माया में चिपके रहते हैं और भोग संग्रह की इच्छा छोड़ नहीं पाते। मनुष्य अपने को कभी सुखी और कभी दुखी, कभी समझदार और कभी बेसमझ, कभी निर्बल और कभी बलवान आदि मानकर मेरी इस माया में तल्लीन रहते हैं। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वे मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि केवल मेरी तरफ रहती है, वे मेरी माया में नहीं फंसते।
हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, पवित्र कर्म करने वाले मेरे चार प्रकार के भक्त मेरा स्मरण करते हैं। पहला है आर्त भक्त, अर्थात दुख से निवृत्ति चाहने वाले भक्त। दूसरा है अर्थार्थी भक्त, अर्थात धन संपदा चाहने वाले भक्त। तीसरा है जिज्ञासु भक्त, अर्थात केवल मुझे जानने की इच्छा वाले भक्त। और चौथा है ज्ञानी भक्त, अर्थात मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त। आइए इसको थोड़ा समझ ले। आर्त भक्त वो है जो प्राण संकट आने पर संकट दूर करने के लिए केवल भगवान को पुकारते हैं, कष्ट का निवारण केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरे किसी से नहीं, वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में द्रौपदी और गजेंद्र का दृष्टांत ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रक्षा के लिए अन्य उपायों का भी सहारा लिया था। चीरहरण के समय जब तक द्रौपदी भीष्म पितामह और पांचों पांडवों पर भरोसा करती रही, तब तक वह रोती बिलखती और कष्ट पाती रही। परंतु जब सब सहारा छोड़कर अनन्य भाव से प्रभु को पुकारा, तब प्रभु ने उसकी लाज बचाई। ऐसे ही गजेंद्र ने जब तक दूसरे हाथियों और हथिनियों का सहारा लिया, अपने बल का सहारा लिया, तब तक वह कई वर्षों तक ग्राह से लड़ता रहा और दुख पाता रहा। सब सहारा छूटने के बाद जब उसने ओम नमो भगवते कहकर हरि को पुकारा, तब भगवान ने तुरंत आकर ग्राह का मुंह फाड़ दिया और गजेंद्र का उद्धार किया। आर्त भक्तों में अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का दृष्टांत सही लगता है, कारण कि जब उस पर आफत आई, तब उसने भगवान श्री कृष्ण के सिवाय किसी दूसरे उपाय का सहारा नहीं लिया। उसने सीधे भगवान से निवेदन किया। उसने श्री भगवान से कहा कि हे जगतपति, ये दहकता हुआ अश्वत्थामा का बाण मेरे गर्भ को नष्ट करने के लिए दौड़ा आ रहा है, मेरी रक्षा करे। तुरंत उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने गर्भ की रक्षा की और परीक्षित को बचाया। अर्थार्थी भक्त वो है जिनको अपनी सुख सुविधा के लिए धन संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा हो जाती है, परंतु उसको वे केवल भगवान से ही चाहते हैं, दूसरों से नहीं, ऐसे भक्त अर्थार्थी भक्त कहलाते हैं। जिज्ञासु भक्त वो है जिसमें भगवान को जानने और भगवत भक्ति की जोरदार इच्छा हो जाती है। जिज्ञासु भक्तों में उद्धव जी का नाम लिया जाता है। भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, जो उद्धव गीता के नाम से भी प्रसिद्ध है। श्रीमद् भगवत गीता में उच्च कोटि के भगवत प्रेमी को ज्ञानी भक्त माना गया है। उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं होती, वे केवल भगवान के प्रेम में ही मस्त रहते हैं। प्रेमी भक्तों में गोपियों का नाम प्रसिद्ध है। गोपियों ने अपने सुख का त्याग कर प्रियतम भगवान के सुख को ही अपना सुख माना था। ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, इसलिए वो भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है। बुरे लोग हमेशा बुरे कर्म करते हैं, फिर भी वह जीवन में सुखी और संपन्न रहते हैं, जबकि अच्छे लोग जीवन भर अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी उसे अपमान और दर्द ही मिलता है। अक्सर लोगों के मन में ऐसा सवाल रहता है कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो परेशान रहते हैं, वही जो बुरे कर्म करते हैं वो खुशी से रह रहे होते हैं। अच्छे कर्म करने वाले परेशान होते हैं कि आखिर उन्हें इतनी परीक्षा क्यों देनी पड़ रही है, जबकि जो अधर्म की राह में है वो खुश है और जिंदगी का लुत्फ उठा रहे हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि अब अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। अगर आपके मन में भी ये सवाल आया है तो आज आप इसका जवाब सुन लीजिए। ये जवाब वो है जो भगवत गीता में लिखा है और श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। भगवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार जब भी अर्जुन के मन में कोई दुविधा होती थी तो वो श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के समीप आकर कहा कि वो दुविधा में है और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। श्री कृष्ण ने पूछा कि क्या सवाल है। अर्जुन ने कहा, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, वहीं बुरे लोग खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, मनुष्य जैसा सोचता है और महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता है,
बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। अर्जुन उनकी ये बात समझ नहीं पाए। इसके बाद श्री कृष्ण ने क्या कहा वो जानते हैं। कान्हा ने अर्जुन से कहा कि हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि हर प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। प्रकृति हर किसी को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब वो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, एक नगर में दो पुरुष रहा करते थे। एक पुरुष व्यापारी था जिसके जीवन में धर्म की बहुत महत्ता थी। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था। वो हर रोज मंदिर जाता था और दान धर्म भी करता था और हर रोज भगवान की पूजा करता था। वहीं दूसरा पुरुष बिल्कुल विपरीत था। वो हर रोज मंदिर तो जाता था लेकिन पूजा करने नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से जूते चप्पल चुराने। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था। समय बीतता गया और एक दिन बहुत जोर की बारिश हो रही थी। इस वजह से मंदिर में पुजारी के अलावा कोई नहीं था। ये बात जब दूसरे पुरुष को पता चली तो उसने कहा कि ये सही मौका है मंदिर का धन चुराने का। पंडित से नजर बचाकर उसने मंदिर का सारा धन चुरा लिया। उसी समय धर्म कर्म में विश्वास रखने वाला व्यक्ति भी मंदिर पहुंचा। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर समझ लिया और चिल्लाने लगे। वहां लोग एकत्र हो गए और उसे बहुत मारा। किसी तरह वो बचते बचाते वहां से निकला तो दुर्भाग्य ने उसका साथ वहां भी नहीं छोड़ा। मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और घायल हो गया। फिर वो व्यापारी लंगड़ाते हुए घर जाने लगा तो रास्ते में उसकी मुलाकात उस पुरुष से हुई जिसने मंदिर से धन चुराया था। उसने कहा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा और उसने अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। कुछ सालों बाद दोनों की पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे और भले पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने क्रोधित होकर यमराज से पूछ ही लिया, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान में विश्वास रखता था, उसके बदले जीवन भर मुझे अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को नोटों से भरी पोटली, आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? इस पर यमराज ने कहा, पुत्र तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, परंतु तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मौत सिर्फ एक छोटी से चोट में बदल गई। तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो, दरअसल इसके भाग्य में राजयोग था, मगर इसके कुकर्मों और अधर्म की वजह से वो सिर्फ एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। कथा सुनाने के बाद श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, पार्थ, क्या अब तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया? ऐसा सोचना कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। भगवान हमें कब, क्या, किस रूप में दे रहा है मनुष्य को समझ में नहीं आता है, मगर आप अच्छे कर्म करते रहें तो भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। इसलिए अपने अच्छे कर्मों को बदलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य का फर्ज है कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहें, क्योंकि श्री कृष्ण ने गीता में भी बताया है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म बेकार नहीं जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। ये केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वो कर्मकर्ता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मज्ञान आपके अंदर चलने वाले
सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो, जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। जो मनुष्य मुझसे परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त दोषों से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।